Hey guys, this is Safe and welcome to my YouTube channel. तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का सर्कल का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो मैं आपको बता चाहूंगा कि इस पैटर्न पे आपको क्लास टेंथ में समझना है. ऐसे क्वेश्चन क्लास टेंथ में भी आपको देखने को मिलेगा. तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. यानी क्वेश्चन एक तरह से आप समझिए तो एक थ्योरम ही है सर्कल का. और इस थ्योरम क्या कहता है और इसका क्या सा सॉल्यूशन होगा इसी वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं. तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. मतलब शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहूंगा थ्योरम क्या कहता है कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है और सर्कल के सर्कम्फ्रेंस में जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा. मतलब सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कम्फ्रेंस पर के एंगल का डबल होगा. कैसे, आइए हम लोग फिगर को थोड़ा देखते हैं. सबसे पहली बात आपको मैं समझाना चाहूंगा, अलग अलग तरह का फिगर होगा. मान लो ये सर्कल है और आप देख पा रहे हो ये सेंटर पर का एंगल है और इसी से सर्कम्फ्रेंस पे एंगल, इसी पॉइंट से सर्कम्फ्रेंस पे एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है. तो ये एंगल जो होता है इसका क्या होगा, डबल होगा. मतलब यह मैं कहना चाह रहा हूं कि सेंटर पे जिस लाइन सेगमेंट से एंगल बनेगा उसी लाइन सेगमेंट पे से सर्कल पे एंगल बनना चाहिए. जिस लाइन सेगमेंट से सेंटर पे एंगल बन रहा है ये और ये, तो उसी से सेंटर सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनना चाहिए. तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर पर एंगल सर्कमफ्रेंस पे एंगल का डबल होता है. आइए एक और हम लोग फिगर देखते हैं छोटा सा. ये सर्कल है, मान लो आप देख पा रहे हो ये सेंटर पर एंगल है और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ना सेंटर पर एंगल बना है, तो इसी पॉइंट से आपका सर्कमफ्रेंस पर भी एंगल होना चाहिए. देखिए तो ये एंगल इस एंगल का डबल होगा. देख सकते हैं ये सेंटर पर एंगल है और ये कहां का एंगल है, सर्कमफ्रेंस पर एंगल है. तो सेंटर पर एंगल सर्कमफ्रेंस पर एंगल का डबल होता है. यानी अगर मान लो कि सर्कमफ्रेंस पर 30 डिग्री है तो सेंटर पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा. अक्सर बच्चे कंफ्यूज क्या कर जाते हैं, इसको समझते हैं सेंटर पर इसको सर्कमफ्रेंस, लेकिन जब यहां की बात होती है तो यहां ये नहीं समझ पाते हैं कि वाकई में ये तो सेंटर पर सर्कल सेंटर पर का एंगल है बट ये सर्कमफ्रेंस पर का एंगल, इस बात से वो नहीं समझ पाते हैं. तो मैं आपको बाखूबी अच्छे अंदाज में समझाना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिएगा जिस लाइन सेगमेंट से सेंटर पे एंगल बनना है उसी लाइन सेगमेंट से सर्कमफ्रेंस पे बनना चाहिए. गौर करो ना, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इससे सेंटर पर एंगल ये है और इसी पॉइंट से आप देख सकते हो सर्कमफ्रेंस पर भी एंगल बन रहा है. तो इस बात को याद है तभी हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे कि सेंटर पर एंगल सर्कमफ्रेंस पर एंगल का डबल होता है. चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं. बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है. तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर पहले ड्रॉ कर देते हैं. आप देख पा रहे हो ये सर्कल है, ओके. चलिए और गॉट मान सकते हो ये मान लो सेंटर है, सेंटर पर का एंगल आप देख सकते हो ओ ए बी. आप देख सकते हो ए ओ बी कहां का एंगल है, सेंटर पर एंगल है और इसी पॉइंट ए और पॉइंट बी से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनना चाहिए. आप देख पा रहे हो तो इस एंगल का डबल होता है, इसको मान लो सी है. हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, आप लिख देना गिवन वगैरह क्या है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी. याद रखिएगा हमें ये प्रूफ करना है और भी हम ये प्रूफ भी करेंगे. मतलब ये एंगल जो होना चाहिए ए सी बी का क्या, डबल होना चाहिए. अब कैसे प्रूफ करना है, बस समझना है क्या है आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि सी से होते हुए सेंटर तक आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है. मान लो ये आपका डी हुआ, क्लियर बात है. सी से मैंने सेंटर होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया जिसका डी पॉइंट तक मैंने एक्सीड किया, डी पॉइंट तक मैंने एक्सटेंड किया. तो आप जरा गौर फरमाइएगा, मान लो ये एंगल वन, चलिए एंगल वन नहीं मानो आप, चलो ठीक है, ठीक है. अब चलिए अब गौर फरमाइएगा, आप बचपन में कहीं पढ़े होगा कि एक ट्रायंगल है और इसमें ये एक्सटीरियर एंगल ये दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है ना, क्या कुछ ऐसा ही यहां पे है या नहीं, देखिए तो
एओसी के लिए अगर मैं बात करूं इंटरगल एओसी में, तो यहां पर एओडी आपका स्थिर एंगल है। तो ये एओडी आपका, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला चाहूं इंटरगल एओसी, इंटरगल एओसी। अब एओसी कैसा है वो भी मैं बना ही देता हूं, कुछ इस तरीके से। ए है ओ, ये आपका डी है, ये सी है। तो आप देख सकते हो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल होगा। बातें समझ में आ रही है? तो मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल एओडी, एओडी इक्वल, यहां दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, एंगल एओडी इक्वल क्या होगा, एंगल ओएसी प्लस क्या होगा, एंगल ओसी है, एंगल ओसी है। क्लियर बातें? और आप शायद ये भी जानते हुएगा कि आप देख रहे हो OA और OC क्या है, यहां पे रेडियस है, और जब रेडियस इक्वल है तो इंटरगल OAC में आप वर्ट माओ यहां पर क्या है, यहां पे ये और ये इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हुआ, एक तरह से आपका आइसोसेलेस एंगल हुआ। और आइसोसेलेस एंगल में जब हुआ तो आप समझ सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो क्या मैं एंगल OAC को, इस एंगल को ये एंगल लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि OA और OC हमारा रेडियस है, तो ये एंगल इक्वल होगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूं एंगल AOD इक्वल OAC को क्या लिखेंगे, एंगल OCA प्लस एंगल OCA। अब जरा गौर फरमाइएगा, एंगल AOD इक्वल क्या है हमारा, टू एंगल OCA, इक्वेशन वन। अब मन में ख्याल आ रहा होगा, अच्छा सर आप मुझे बताओ आपने OAC को OCA ही क्यों लिखा, उसी को चेंज कर देते, ओएसी लिख देते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें पहुंचना कहां है, हमें ये पूरा एंगल चाहिए सी, तो ये एंगल की बात ना करेंगे, ये एंगल लेंगे तब तो हमारा पूरा एंगल के पास में पहुंचेंगे। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पता चलेगा क्या कि मैं यहां तक नहीं पहुंच पाऊं। तो हमें क्या चाहिए उसको भी देखना होता है। चलिए अब अगेन इंट्रेंगल मैं बात कर रहा हूं, आप गॉड पा सकते हो बीओसी, अगेन इंट्रेंगल बीओसी। तो आप बीओसी को जरा देखिए कुछ इस तरीके से है, आप गॉट मार सकते हो, उम्मीद है दिख रहा होगा, ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये ओ और ये सी। तो आप देख सकते हो ये इसका एक्सटीरियर एंगल यहां है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये एंगल दिख रहा, चलिए आपका ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल जो होगा इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। आप ऐसे देखो ना, ये एक्सटीरियर एंगल जो हो गया, ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, एंगल बीओडी, एंगल बीओडी इक्वल एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखिए तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल और इस एंगल सम के इक्वल हो, और फिर आप देख सकते हो ओबी और ओसी यहां पे रेडियस है, तो जाहिर सी बात है कि उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो मैं ओबीसी को लिख सकता हूं एंगल ओसी भी, बेशक क्योंकि मैं उस मुझे उसमें रिलेशन चाहिए। तो एंगल बीओडी इक्वल एंगल ओसीबी प्लस एंगल ओसीबी, ठीक। तो अब जरा क्वार्ट मार्क होंगे, एंगल बीओडी इक्वल मैं यहां पर लिख सकता हूं टू एंगल ओसीबी, इक्वेशन टू। ओसीबी ओसीबी क्या होगा, टू एंगल ओसीबी। अब हमें सोचना है कि मेरे को एओबी चाहिए, तो एओबी कैसे आएगा, तो एओबी लाने के लिए एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, मतलब क्या होगा कि इस एंगल और इस एंगल दोनों को क्या करना होगा, सम करना होगा। मतलब मेरा कहना यह है कि यहां पर एओडी है, यहां बीओडी है, तो एओडी बीओडी क्या करना होगा, दोनों को प्लस करना होगा। तो यहां लिखे क्या, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। जब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करेंगे तो कुछ मुझे ऐसा आएगा, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी डेट इक्वल टू एंगल ओसीए प्लस टू एंगल ओसीबी, उम्मीद दिख रहा होगा, क्लियर है बात है? अब देखिए एओडी प्लस बीओडी का, एओडी प्लस बीओडी पता चला कि हमें को आ गया क्या, पूरा एंगल एओबी। तो एंगल एओबी इक्वल, इस दोनों में से टू को मैं कॉमन लेता हूं, तो मेरे को आएगा एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी, क्लियर बात है? अब क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल एओबी इक्वल
टू और एंगल OCA प्लस OCB, देख सकते हो OCA प्लस OCB, यानी ये मेरे को पूरा एंगल आ गया, कौन सा एंगल C, कौन सा ACB। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या ACB, टू एंगल ACB, और हमें यही प्रूव करना था। उम्मीद है बातें समझ में आई। इसको हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप एंगल ACB इक्वल, यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल ACB इक्वल क्या होगा, हाफ एंगल AOB, मैं समझने के लिए दिया हूं। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि सेंटर पर का एंगल सर्कमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है, और इसका ठीक उल्टा जब मैं कहता हूं सर्कमफ्रेंस पर का एंगल सेंटर पर के एंगल का हाफ होता है। बातें समझ में आ रही है ना, क्या था? सेंटर पर का एंगल सर्कमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है, सर्कमफ्रेंस पर का एंगल सेंटर पर के एंगल का हाफ होता है। ये दोनों एक दूसरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी बिलियन, इसमें जितना भी लगाना लगा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उम्मीद है बातें आपको क्लियर हुआ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छा लगा, बातें हर बातें समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही।